यस सर। तो सुप्रभात, पुनः आप सभी विद्यार्थियों को, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो एक उपन्यास है, एक गुजराती उपन्यास है। इस उपन्यास का नाम है मानविनी भवे और इसके उपन्यासकार है पन्नालाल पटेल जी, और जिस पर चर्चा करने के लिए विषय विशेषज्ञ के तौर पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभिजल गौतम सर विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं अपने विश्वविद्यालय परिवार, अपने हिंदी विभाग की ओर से अभिजल गौतम सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया, बहुत कम समय में अपना समय देने को तैयार हो गए और छुट्टी के दिन समय देने को तैयार हो गए। और आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा शुरू करने से पहले आज जो रजा पर्व है उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपका स्वागत है। सर आप आरंभ कर सकते हैं अपने व्याख्यान को। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार अभिषेक जी। और आज सभी दोस्तों को वहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, जो त्यौहार है आज, उसकी शुभकामनाएं। ये सागरिका सागरिका बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। वहाँ जो भी जो पर्व आज मनाया जा रहा है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं बधाइयाँ। और अब हम शुरुआत करेंगे आज का जो विवेच्य उपन्यास है, मानविनी भवाई पर। आप लोगों के जो सवाल होंगे आज और कल भी, इसकी अगली कक्षा भी जो होगी उसमें भी, तो वो सारे सवाल आप कक्षा के संदर्भ में आप विचार करते जाइएगा, और बाद में हम उनका जवाब देंगे। उनके बारे में जो बातें होंगी वो हम लोग बाद में कर लेंगे। आप सब लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी सर, स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है आवाज की, और आप दिखाई भी स्पष्ट दे रहे हैं सर। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद अभिषेक जी। और आपको भी चूंकि आप भी उड़ीसा में हैं, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं आज के त्यौहार के लिए। क्लास के बाद आप जाइए, वहाँ त्यौहार मनाइए कहीं। और तो दोस्तों, आज जो उपन्यास है, जिसकी कथा वस्तु के संदर्भ में हमें आज चर्चा करनी है, उसकी कुछ कथा वस्तु कहानी के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं, तो उसके पात्रों के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो उपन्यास है वो गुजराती उपन्यास है, मानविनी भवाई, पन्नालाल पटेल। जैसा कि अभिषेक जी बता रहे थे कि यह उपन्यासकार इसके पन्नालाल पटेल जी हैं। पन्नालाल पटेल जी का जन्म 1921 में हुआ था और 1991 तक वे रहे, 91 में उनका निधन हुआ। उनका जन्म गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती एक गांव में हुआ था, उसी अंचल की ये कथा भी है। अब पहले वो गुजरात में था, अब आजकल वो गांव जहां उनका जन्म हुआ था वो राजस्थान में है। पन्नालाल पटेल जैसे अपने यहाँ प्रेमचंद है, हिंदी में आप लोगों ने प्रेमचंद को पढ़ा होगा, रेणु को पढ़ा होगा, फणीश्वरनाथ रेणु को, लगभग उसी तरह के ग्रामीण अंचल के कथाकार हैं पन्नालाल पटेल। इनकी खासियत है कि जो ग्राम जीवन है उसको उसके समकालीन यथार्थबोध से और उसके गहन संदर्भों से, जीवन संदर्भों से जोड़ते हुए वे अपने कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यह उपन्यास आज़ादी के समय, जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, उस समय यह उपन्यास प्रकाशित हुआ 1947 में। इसका हिंदी में पहली बार इसका हिंदी में रूपांतरण हुआ, हिंदी में इसका अनुवाद हुआ 1970 में, जो कि NBT नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा था 1970 में। इसका अनुवाद किया था डॉक्टर रघुवीर चौधरी ने, जीवन एक नाटक नाम से किया था, जीवन एक नाटक, ये हिंदी में इसका अनुवाद किया था, लेकिन अभी ये प्रचलित है मानविनी भवाई के नाम से ही। यह उपन्यास हिंदी में आते ही बहुत प्रसिद्धि इसको मिली और बहुत इस पर बहुत चर्चा, लंबी चर्चा चली, और इसको सन 1985 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, यह इस उपन्यास के लिए भी और इस उपन्यास के लेखक के लिए।
और उस परिवेश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। मित्रों, मानवीनी भवाई का मतलब होता है कि एक जीवन की जीवन का नाटक एक तरह का, एक मानवीनी का मतलब होता है मानव की। मानवीनी शब्द जो है वो मानव से है, मानव मतलब आदमी, मनुष्य, और भवाई मतलब नाटक। जैसे वहाँ कहा जाता है कि अनेक किसानी जो है वो अनेक मानवीय भवाई है, यानी अनेक लोगों की कहानी है। तो यहाँ जो मानवीनी भवाई है वो आदमी की कहानी है, आदमी का नाटक है। हमने कहा भी, हम समझते भी रहे हैं, हमारी चिंता भी रही है, हम अक्सर विचार भी करते रहे हैं, तो हम अपने जीवन को नाटक ही मानते रहे हैं। और अक्सर कहते हैं ना कि जीवन एक रंगमंच है और हम इस ये संसार एक रंगमंच है और हम उस रंगमंच की एक कठपुतली हैं। इस संदर्भ में भी इसकी प्रासंगिकता है, उसे अगर हम समझें तो यह नाटक अपने संपूर्ण संबंधों में आदमी की व्यथा कथा कहते हुए हमारे पूरे जीवन की व्यथा कथा है। मनुष्य का की कथा हो या जीवन की कथा हो, बात दोनों एक ही है। तो मानवीनी भवाई आदमी का नाटक है, मनुष्य का नाटक है। मनुष्य का नाटक है मतलब जीवन का नाटक है। तो इसीलिए इसका जब हिंदी अनुवाद हुआ तो उसका नाम हुआ जीवन एक नाटक। खैर, अब हम इसकी कथा वस्तु के संबंध में थोड़ी सी बात करते हुए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि ये मानवीनी भवाई उपन्यास जो है वो उसका मूल विषय क्या है। गुजरात में और राजस्थान और अनेक जगह हिंदुस्तान में सन 1900 के आसपास बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, और यह अकाल गुजरात के जिस स्थान अंचल में ज़्यादा इसका प्रभाव था वह अंचल ही इस कथा का केंद्र अंचल है। 1900 सन में वह अकाल पड़ा था, बहुत भयानक सूखा था। संवत और सन में फर्क है। इस अकाल को छप्पनिया अकाल भी कहा जाता है, छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल का मतलब होता है सन 56, यानी कोई 56 वर्ष होगा या कोई डिजिट होगी उसका अकाल। तो यह तो 1900 में पड़ा था, तो इसको छप्पनिया क्यों कहा गया? तो ये संवत सन, हमारे यहाँ विक्रमी संवत चलता है पंचांग में, तो 57 जोड़ने पर संवत बनता है सन में। तो सन 1900 में 57 जोड़िए तो 56 57, 1956 1957 का वर्ष आता है। तो इसलिए 1956 संवत में यह अकाल पड़ा था, इसलिए इस अकाल का नाम क्या पड़ा? छप्पनिया अकाल पड़ा। तो यह उस भयंकर अकाल की त्रासदी की पृष्ठभूमि में लिखा गया एक बहुत दिलचस्प, बहुत संघर्षमयी गाथा है। किसानी जीवन का संघर्ष है इसमें, क्योंकि अकाल से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? किसान होता है। यहाँ दो तरह का अकाल है, यानी दो तरह, वो जो अकाल पड़ा छप्पनिया अकाल, वो तो भौतिक अकाल था। इसकी कथा दो ध्रुवों पर चलती है, कथा एक ही ध्रुव की है, उसके सीमांत दो हैं। इसे इस रूप में समझें कि 56 में जब अकाल पड़ा तो किसानी चौपट हुई, कुछ पैदावार खत्म हो गई, भुखमरी आने लगी, लोग मरने लगे, सड़कों पर हजारों हजार लोग मरे पाए जाते थे, गांव के गांव उजड़ जाते थे। तो एक तरफ, एक धरातल पर यह कथा संपूर्ण अकाल और उससे उपजी त्रासदी की कथा है, और वहीं एक और एक युवक है, कालू नाम का पात्र है, जो प्रमुख पात्र है इस पूरे उपन्यास का। युवा कालू के मन में जो प्रेम है, राजू उसकी नायिका है, राजू के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम में भी एक अकाल है। प्रेम में अकाल किन संदर्भों में है इसे समझना, प्रेम का अकाल कहने का मतलब ये होता है कि प्रेम का न होना, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेम खूब है दोनों के बीच में,
लेकिन अकाल इस संदर्भ का है कि उनका मिलन कभी नहीं हो पाता। प्रेमी प्रेमिका है वो, पर वो कभी मिल नहीं पाते। तो ये दो संदर्भों की कथा है कि एक तरफ प्रेम और जो प्रणय प्रसंग है, जो आत्मिक प्रसंग है, उनमें भी बहुत संघर्ष है, उसमें भी कहीं मिल नहीं पाते हो। एक लंबी त्रासदी है, विरह भोगने की त्रासदी है। और एक और जो कहानी है, जो सूखा पड़ गया है, जो अकाल पड़ा है, उसमें जो त्रासदी है, उसकी व्यथा कथा की त्रासदी। तो एक और यह प्रेम के संदर्भ की जो पीड़ा है उसका आख्यान है, और एक और यह जो अनाज और जीवन संदर्भों से उपजी हुई पीड़ा है उसका ये महान महाकाव्य है। उपन्यास को गद्य का महाकाव्य कहा जाता है, तो इसलिए महाकाव्यात्मक पीड़ा इस रूप में संपूर्ण उपन्यास में अनेक बार आपको देखने को मिलेगी। कई बार यह पीड़ा आपको शरदचंद्र के उपन्यासों में जो स्त्री पात्रों की पीड़ा है उससे भी कुछ मिलती जुलती पीड़ा लगेगी, लेकिन शरदचंद्र के जो स्त्री पात्र हैं वो ज़्यादा भावुक हैं, उनमें रोमानियत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ बड़े सघन गहन संघर्षों से उपजी हुई मनःस्थिति के पात्र हैं, ज़्यादा अपने पात्र लगते हैं, ज़्यादा जीवन के पात्र लगते हैं, ज़्यादा जमीनी पात्र लगते हैं, या आप देखते रहें। कहना न होगा कि प्रेमचंद का जब हम गोदान पढ़ते हैं, या प्रेमचंद के गोदान में जो पीड़ा है वो संघर्ष की पीड़ा है, लेकिन प्रेमचंद की एक कहानी आती है कफन, कफन कहानी की जो पीड़ा है, सब कुछ समाप्त होने की जो त्रासदी है, उतना ही सघन, लगभग उससे भी कहीं अधिक पीड़ाजन्य संघर्ष इस उपन्यास में आप देख सकते हैं। बहरहाल, भीलों की एक बस्ती है बहुत बड़ी, जहाँ का अंचल है ये, एक पहाड़ी इलाका है, तलहटी है, उस तलहटी में बसा हुआ है गांव है, वहाँ की एक कहानी है। इस उपन्यास के को 3 भागों में लेखक ने बांटा है। पहले भाग का नाम उन्होंने दिया है मानवीनी भवाई, दूसरे भाग का नाम है भाग्याना भाभेरु, भांग्याना भाभेरु भी कहते हैं कुछ लोग, भांग्याना भेरु भी कहते हैं। और जो तीसरा भाग है वो घम्मर वलोणुम है, घम्मर वलोणुम। इन 3 भागों की यह कहानी है, लेकिन जिसमें जो प्रमुख इस पूरे उपन्यास का जो केंद्र जो हम पढ़ेंगे, जो देखेंगे, वो पहला खंड है इसका, मानवीनी भवाई, जीवन का नाटक, जीवन एक नाटक हिंदी में अगर इसको करें, इसकी पूरी कहानी है। अब यह कहानी शुरुआत कैसे होती है? शुरू में थोड़ी सी कहानी फ्लैशबैक की है, थोड़ा फ्लैशबैक है इसमें। अब यह फ्लैशबैक क्या है कि जो प्रमुख पात्र है कालू, कालू बूढ़ा हो गया है, और बूढ़ा होकर वह हुक्का पी रहा है कहीं एक जगह बैठे हुए, या झोपड़ी के बाहर अलाव। देखिए कितनी साम्यता है इस कहानी में, झोपड़ी के बाहर अलाव है, अलाव तापता है और हुक्का पीता है, और हुक्का पीते हुए वयोवृद्ध कालू अपने अतीत के बारे में सोच रहा है कि हम युवा थे तो क्या करते थे, हम ऐसे थे तो क्या। फ्लैशबैक में कहानी फिर चली जाती है, और फिर वो फ्लैशबैक की कहानी वर्तमान में चलने लगती है। आपको याद होगा मैंने अभी जिक्र किया कि प्रेमचंद की एक कहानी है कफन, कफन कहानी का भी की भी शुरुआत ऐसे ही होती है, अलाव के बाहर बैठा हुआ, झोपड़ी के बाहर, दोनों जो घीसू माधव हैं वो आलू खा रहे हैं पकाकर। तो आप देखिए कि कुछ उस तरह की शुरुआत है, लेकिन वो फ्लैशबैक की है। अब यह फ्लैशबैक की कहानी जब आती है मेन फ्रंट में, जिसको हम कहते हैं कि उपन्यास की शुरुआत हुई, वो कालू के जन्म से यह कथा चलती है। कालू का जन्म बड़ी प्रमुख घटना है, प्रमुख नायक है हमारा, और यह जन्म होना
जन्म होने के बाद की जो रिचुअल्स हैं, जिनको हम कहें संस्कार हैं, उनकी कहानी भी है, बड़ी रोचक कहानी है। उस संदर्भ में आप देखिए तो बड़ा संवेदनात्मक रूप से वो पूरे समाज को उकेरा जा सकता है, उसको पूरा देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानवीनी भवानी भवाई की कथा जो है वो कालू के जन्म से प्रारंभ होती है। एक ठंडी रात है, 30-35 घरों का एक गांव है जहाँ कालू का जन्म होता है। कालू की माँ का नाम है रूपा डोसी और बाप का नाम है वाला भाई पटेल। तो वाला भाई पटेल का नाम फिर वाला हो जाता है और रूपा डोसी का नाम रूपा हो जाता है, इसलिए कहा जाता है वाला और रूपा का बेटा है। तो इन दोनों के घर में कालू का जन्म होता है, लेकिन जो बाप है वाला भाई पटेल, उनकी उम्र काफी हो चुकी है, उत्तरार्ध है उनके जीवन का, प्रौढ़ावस्था यानी वो अधेड़ उम्र के बाद की स्थिति में है, और उनको किसी तरह से प्रयत्न करने पर बच्चा पैदा होता है, पहले इनके बच्चा नहीं था। तो उनके प्रौढ़ावस्था में उपन्यासकार लिखता है कि वाला भाई की प्रौढ़ावस्था में भगवान को भूख बुझानी थी, इसलिए कालू के जन्म ने वाला पटेल के घर में तथा पूरे गांव में उत्साह का रूप ले लिया। गांव की स्त्रियां वाला पटेल के यहाँ जमा होती हैं, बेटे का जन्म हुआ है, इसलिए नामकरण और ग्रह दशा की भी चर्चा होती है। और बड़े भाई किसी के यहाँ थोड़े काफी समय बाद अगर कोई पैदा होता है तो बड़ा उत्साह का माहौल होता है, और फिर ब्राह्मण बुलाया जाता है कि इसका जो इसका जन्मांक वगैरह देखकर इसके भविष्य के बारे में कुछ कयास, इसकी ग्रह दशा क्या है, इसका नामकरण कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें कराते हैं। तो ब्राह्मण को बुलाया गया और पत्थर पर धूप सरीखे के बेटे का जन्म हुआ है, वह भी उस इलाके में पूजा पूजे जाने वाली कलिया देव, वहाँ एक कलिया देव का मंदिर है गांव के आसपास, कलिया देव यानी श्याम जी का मंदिर है, श्याम जी यानी कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण के मंदिर को उन्होंने कालिया देव कहा, वहाँ मंदिर है। और उस कालिया देव की मनौती मना मना के ये कालू पैदा हुए थे, इसीलिए इनका नाम कालू पड़ा, कालिया देव मंदिर की मनौती के कारण पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम जो है वो कालू रखा। और अब कालू पैदा हुआ काफी उम्र के बाद, मतलब उनके पिता उत्तरार्ध में हैं और उस उम्र में, तो बड़ा उत्साह का माहौल होता है। ऐसा उत्साह जब गांव में होता है तो आसपास पड़ोस के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ईर्ष्या रखते हैं, जलन का भाव रखते हैं कि इनके यहाँ ऐसा उत्साह क्यों मन रहा है। तो वैसे ही पटेल के खानदान की एक औरत है, माली, माली नाम है उसका, और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वह परमा पटेल गांव का मुखिया है, उसकी औरत है वो, उसकी पत्नी है, और परमा पटेल खुद बहुत उदार और नीति धर्म का आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है बातचीत में, स्वभाव में, व्यवहार में, लेकिन उसकी पत्नी जो माली है वो बड़ी परसंतापी है, दूसरे को संताप देने वाली है, दूसरे को पीड़ा, दूसरे को सुख को नहीं देख सकती। तो ऐसी स्थिति में उसने कहा, अच्छा माली माली के खुद के 3 बेटे हैं, एक का नाम रणछोड़ है, एक का नाम नाथा है और एक का नाम नाना है, ये 3 बेटे हैं खुद माली के, और घर में तमाम उसके बहुए नाती पोते भरे हुए हैं, लेकिन वो उसका उसकी पीड़ा है कि इनकी इनकी कोख कैसे भर गई, इनका घर कैसे भर गया, कैसे इनके यहाँ लड़का पैदा हुआ, इसका दुख है। तो पंडित आया हुआ है ज्योतिषी, उसने ग्रह दशा देखकर बताया कि यह बालक समाज का बहुत अगुआ होगा, और इसके नसीब में 2 औरतें लिखी हैं, इसके नसीब में 2 औरतें हैं, 2 बार इसकी शादियां होंगी, और यह काफी मतलब प्रभावशाली आदमी होगा, ऐसा ब्राह्मण ने बताया। ऐसा सुनकर माली जो थी उसकी पड़ोसन, वो बहुत जल भुनकर कोयला हो जाती है, और लगातार उसका जो ये परसंताप है, जलना, ईर्ष्या का भाव है, वो पूरे जीवन बना रहता है,
और उसी माली की वजह से इसकी शादी नहीं हो पाती है जहाँ वो चाहता है। तो ये उस एक स्ट्रगल यह भी है, मतलब एक विलन का। पहली बार कहा जाता है कि मानविनी भवाई में जो स्त्री पात्र आई है माली, पहली बार इतना सघन कोई विलन वीमन का रोल पहली बार किसी उपन्यास में इतनी सघनता के साथ चित्रित किया गया। लंबा पूरा कई वर्षों का जीवन है और उसमें माली नामक जो स्त्री पात्र है उसका विलेन का, उसका जो खलनायक का रोल है वो लंबा चलता है और अंत में फिर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। यह इसकी एक खासियत थी कि एक स्त्री पात्र को इतना लंबा विलेन के रूप में दिखाया गया हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के उपन्यास में, यह पहली बार इतना बड़ा काम हुआ था। बहरहाल तो कालू का जन्म होता है, पंडित बताते हैं कि बड़ा विचित्र आदमी है, अच्छा बहुत प्रभावशाली होगा, और इसकी तो दो ये जो माली है वो दुखी होती है और वो लड़ाई झगड़ा और शुरू से ही उसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा उसको कलमुहा, कालू को कलमुहा कहा करती है, वो पुकारती है। धीरे धीरे कालू बड़ा होता है और धीरे धीरे उसकी मतलब युवावस्था आती है। उससे पहले ही कालू की सगाई पड़ोस में ही एक राजू नाम की लड़की, लड़की का नाम राजू है। तो यह कालू और राजू की प्रेम कहानी है उपन्यास। तो ध्यान रखिएगा जो राजू है वो स्त्री पात्र है और वही प्रेमिका है कालू की। तो अब ये बार बार एक झगड़ती है और अंत में उसकी शादी इससे क्या नाम है, इसके पड़ोस में रहने वाली राजू के साथ हो जाती है। और यह फिर क्या करते हैं, कालू की फूलडोसी के प्रयत्न से गांव में कालू की सगाई तो हो जाती है, लेकिन इससे वो और बौखला जाती है क्योंकि उसने कसम खाई थी कि मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी, माली ने कसम खाई थी। तो वो अब बहुत रोती धोती है और सिर पीटने लगती है और अंत में अपने भाई के साथ षड्यंत्र करके उसकी सगाई, राजू के साथ जो सगाई हो गई थी वो छल कपट करके तोड़वा देती है। अब कालू और राजू बचपन से ही एक साथ एक ही पड़ोस में थे, तो साथ में खेले थे कूदे थे, फिर धीरे धीरे परिचय हो गया था। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तब उनमें ये प्रेम को समझ, प्रेम की समझ विकसित हुई, धीरे धीरे एक दूसरे से प्रेम भी करने लगे। अब वह प्रेम की जब समझ आई तब तक इसने शादी, इनकी सगाई तोड़वा दी। अब वह गांव का मसला था पहले, अब शहरों में होता तो भाई आदमी लड़ता झगड़ता, लेकिन पहले तो जो चीज़ें बड़े तय कर देते थे लगभग उसी तरह का मामला था। तो बहरहाल सगाई जब टूट जाती है तो फिर से एक नरसी, वहाँ एक व्यक्ति हैं जो अपनी बेटी की शादी कालू से करना चाहते हैं। तो अब माली के सामने कालू की माँ कुछ नहीं बोल पाती है, वो क्या करे, वो कुछ कर भी नहीं सकती। और फिर राजू की सगाई पड़ोस में एक गांव है उसके साथ, वहाँ एक अभी नाम आएगा उनका कि उनके साथ तय हो जाती है। लेकिन राजू की सगाई जिसके साथ तय होती है वह भी काफ़ी वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, वो उनकी दूसरी शादी है ये। तो अब वो दूसरी शादी वहाँ तय हो जाती है, लेकिन जिस आदमी के साथ तय होती है शादी उसी के भाई की लड़की के साथ शादी तय होती है कालू की। अब ये थोड़ा समझने का है, ये थोड़ा सा गांव में इस तरह के बहुत सारे संबंध बन जाते हैं कि राजू की सगाई उसके चाचा से हो जाती है, जिस लड़की की शादी कालू से होने वाली है। तो अब वो कालू कालू और राजू जो प्रेमी प्रेमिका थे, अब वो कालू जो है और राजू उनकी चचिया सास हो जाती है। तो ये भाग्य की बड़ी विडंबना है, इसको बहुत रोचक ढंग से लेखक ने लिखा है। तो इस तरह से बार बार अब विवाह हो जाता है और फिर कालू की शादी जिस आदमी की लड़की के साथ होती है उसी आदमी के बड़े भाई के साथ, राजू की शादी
यानी दोनों का आना। अब राजू अपने कालू अपने ससुराल जाता था, यानी वो राजू का भी वही ससुराल था, तो कालू अपने ससुराल जाता था मिलने के लिए, लेकिन वो राजू से मिलने जाता था, यह बात राजू जानती थी। और राजू भी अपना जो विकलांग पति था उसका, उसके साथ रहती थी, लेकिन प्रेम उसका राजू के प्रति था। लेकिन बड़े इसमें क्या है, इस उपन्यास में राजू का जो चरित्र है, यानी उस लड़की का जो चरित्र है, वह बहुत प्रांजल चरित्र दिखाया गया है, बहुत नैतिक चरित्र दिखाया गया है। यानी जब तक उसका पति, जो जिससे शादी होती है, जिंदा है, और उसको उसके प्रति उसकी ईमानदारी, उसकी जो उसका जो लगाव है और उसकी जो तटस्थता है, उसके प्रति जो समर्पण का भाव है, वो सबसे ज्यादा अपने पति के साथ रहा। वह कभी भी उसका फायदा नहीं उठाया उस राजू ने कि हमारा पति विकलांग है, इसको कुछ पता नहीं चलेगा, चलो हम कालू के साथ प्रेम संबंध में आ जाते हैं, ऐसा कभी प्रयास नहीं किया, जबकि ऐसा संभव था। तो कालू एक उद्दाम प्रेमी के रूप में दिखाया जाता है, उद्दाम प्रेमी के साथ साथ बहुत ही संयमित रूप से भी उसके चरित्र का चित्रण किया गया है। ऐसा नहीं था कि वो प्रेम के सारे ज्वार को तोड़कर और वो अनर्गल रूप में राजू के साथ उसने कोई दुराचार कर दिया हो या कुछ ऐसा करने का प्रयत्न किया, तो बहुत संयमित कालू का भी चित्रण किया गया है। वहीं जो राजू है, जो स्त्री पात्र है, जो उसकी प्रेमिका है, उसका चरित्र भी बहुत ही सुंदर करने, बहुत ही प्रांजल चरित्र दिखाया गया है, जो कि इस उपन्यास की एक अन्यतम विशेषता भी कही जाती है। वैसे तो शादी और समाज के सूत्र में बंध कर साथ तो रहना है, परंतु प्रेम के लिए आजीवन तरसते रहना, ये नियति बन गई। यानी एक जहाँ चाहते थे वहाँ शादियाँ हुई नहीं, एक ऐसे माहौल में शादी हो जाती कि साथ तो रहते हैं, क्योंकि एक ही जगह उसकी शादी हुई, एक ही जगह इनकी शादी हुई, लेकिन फिर भी वह एक साथ रहकर भी जो वियोग पूरे जीवन झेलना पड़ा, वह बहुत महान वियोग था। कालू जब ससुराल जाता तो राजू के लिए उसकी तड़प बढ़ जाती। कभी कभी वह मन में यह तय करता कि भले दुनिया में जो कहे, मैं राजू की मांग में सिंदूर डाल ही दूंगा ले और अपने घर बैठा लूंगा, लेकिन समझदार राजू सब कुछ समझती थी, वो जानती थी राजू के मन में जो उद्दाम प्रेम है वो समझती थी। तो वो करती क्या थी कि वो समझाती थी राजू को, कि राजू उसको कालू को सम राजू जो है कालू को समझाती थी, और समझाने में वह कालू के मन की बात जानती थी कि ये अगर चाहेगा, ये सब चाहता है, ये कर लेगा, अगर वो कहती कि हाँ कर लो तो कर लेता, लेकिन वह उस मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहती थी जिस मर्यादा में वह स्वयं बंधी थी। वह स्वयं शादी शुदा थी, वह चाहती थी कि इस मर्यादा में रहते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो बार बार ऐसा प्रसंग आता है उस उपन्यास में कि राजू के लिए कालू की तड़प बढ़ जाती है और राजू ने फिर उसको समझाया। अब ऐसा कालू बहुत बार बेचैन भी उठता था, और वो जैसे रिबेल हो जाता था, क्रांतिकारी हो जाता था, जैसे प्रेमी आमतौर पे होते हैं, और वो कहता कि मैं जो है सारे बंधन तोड़ दूंगा, और राजू को बुलाकर राजू को खरा खोटा भी सुना देता कि तुम जो है ऐसा ऐसा। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी, यह सब बुरे वचन सुनने के बाद भी राजू को पता था कि कालू हमसे बेहद प्रेम करता है, इसलिए राजू चाहे जो कुछ कालू चाहे जो कुछ कहता था, लेकिन राजू को कालू के उन वचनों में अपार प्रेम ही दिखलाई पड़ता था, उसकी आंखें भीग जाती। वह कालू से कहती है कि राजू सामने अभी इतनी लाचारी नहीं आई है कि वह ऐसी हरजाई बने, वह कहती है कि राजू के सामने ऐसी लाचारी नहीं आई है कि वह हरजाई बने। हरजाई शब्द का इस्तेमाल किया, यानी वह किसी अपने पति के रहते हुए किसी अन्य पर पुरुष से उसका, तो इसको हरजाई कहा जाता है। तो उसने कहा कि मेरे सामने ऐसी लाचारी नहीं आई, यानी वह अपने पति धर्म का पालन करती है, और फिर कहती है तुम अपना कलेजा सवा मन का रखो। अब राजू कहती है कालू से, तुम अपना कलेजा सवा मन का रखो, थोड़ी राहत मिलती है कालू को यह सुनकर, यानी वो कहती है तुम अपना हृदय जो है थोड़ा मजबूत रखो, थोड़ा बड़ा रखो, कहते नहीं तुम अपना मन अपना दिल थोड़ा बड़ा रखो, ये कहती है। तो इससे कालू को थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन प्रेम की भूख तो शांत नहीं होती।
अब भली नाम की इसकी पत्नी थी, कालू की जो पत्नी जिससे शादी हुई थी कालू की, भली भली नाम था उसका। लेकिन कालू के मन में उसके प्रति कोई मतलब बहुत, अब चूंकि प्रेम तो राजू के प्रति है, इसलिए प्रेम की जो भूख है वो कभी शांत नहीं होती। अब जो भली है उसी की चाची है ये, उसी की चाची है राजू, तो वो भली भी जान गई है कि राजू से हमारे पति का प्रेम है, इसलिए अनबन रहती है। भली जो है कालू के प्रति भी बड़ा अनबन रखती है, दोनों के प्रति बोलचाल बंद हो जाती है, और अक्सर वो राजू के और कालू के रिश्तों को लेकर उलाहना भी देती है, चिढ़ी रहती है। और राजू चूंकि बड़ी है, उसकी चाची लगती है, इसलिए वह कई बार सुलह समझौता भी कराती है। और इस बीच पूरी कथा में बार बार राजू और कालू और माली जिस जो स्त्री चरित्र है उसके घर के बीच तमाम तरह का कलह लड़ाइयों का जिक्र आता है, और माली किसी भी तरह से राजू के कुचैन से नहीं रहने देना चाहती है, और अपने पति परमा डोमा को भी बहुत ज़्यादा सताती है, और अंत में जो माली है उसका पति वो उसका भी निधन हो जाता है। अब क्या हुआ, अब इस उपन्यास में बहुत सारे प्रकरण हैं, भूतावल, मालिनु मोत, खुंडनिया, माथाराम, उजड आभले, मानविनी, इस तरह के तमाम जो ग्रामीण परिवेश और कृषक जीवन से संबंधित बहुत सारी गौण पात्रों की कथाएं भी आती हैं, बहुत सारे चरित्र आते हैं, और बदलते हुए मौसमों का चित्रण भी आता है। वो बड़ा अच्छा, और गति और जो बदलता हुआ मौसम है उसको इतने बारीकी के साथ पन्नालाल पटेल ने उसको उपन्यास को रेखांकित करते समय उस कथा प्रवाह में उसको जोड़ते हैं कि वो बड़ा गतिशील लगता है। कहते हैं कि इधर गेंद और डंडे यानी हॉकी का खेल खेलता, मकर संक्रांति भी आ गया, और साथ साथ शिशिर में कांपती फसल के वासंती वस्त्र भी गायब हो गए, वसंत ने धरती पर पीले पीले पत्तों का बिस्तर लगा दिया, और उसे भी फागुनी हवा ने तितर बितर कर दिया। एक तरफ पकी फसल पर हंसिया चलने लगे तो दूसरी तरफ होली के ढोल धमक उठे। ये पेज संख्या 262 में आता है। ये उस संघर्ष के समय, उस तमाम तरह की विषमताओं के बीच में भी जो प्रकृति और मानव संबंधों का जो चित्रण है, प्रकृति के बदलाव और गतिशीलता में मनुष्य का जो उत्साह बदल जाता है, मनुष्य का जो पूरा कार्य व्यापार और आनंद का जो एक तरह का लालित्य है वो उभर कर आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक तरह का चित्रण लेखक करते चलते हैं। और इस पूरे उपन्यास में इस प्राकृतिक गतिशीलता को लोक चेतना के व्यापक फलक में, यानी वो जो प्रकृति का बदलाहट हो रही है वो लोक चेतना में बहुत व्यापक रूप में आते हैं। वो चाहे नटों का खेल हो, भिखमंगों का भजन हो, होली के ढोल पाग हो, बंजारों का तमाम नाटक हो, बारिश हो, खेतों की जुताई हो, और तमाम ये लोकगीतों का बार बार आना, और खेतों की जुताई और तमाम तरह के विविध क्रियाकलापों का चित्रण मानविनी भवाई में वो लगातार करते चलते हैं। जीवन को प्रकृति से, किसानी से और लोक जीवन को इतना संपृक्त रूप से जोड़ते चलते हैं कि वो कोई भी उसका ताना बाना अलग नहीं लगता, एक सुंदर सा वितान बन जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण धरती ने यह पूरा कलेवर समेट रखा है, और इस पूरी कथा, जीवन की कथा जो है इसी के बीच प्रवाहित होती है। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण रहा। अब आप देखिए बार बार इस उपन्यास में अभी यह प्रेम कथा चलती है, धीरे धीरे छप्पनिया काल पड़ने वाला है अभी, तो राजू का रखे पति हैं दयाल जी, दयाल जी कहलाते हैं, दयाल जी नाम है उनका, और कालू की भी शादी हो गई है, तो जो दयाल जी हैं वो उनमें उनमें राजू की पूरी निष्ठा है, उनकी पत्नी पूरा विश्वास है और अपने को पतिधर्म का पालन भी करती है, लेकिन बार बार राजू के मन में, कालू के मन में राजू के प्रति जो लालसा है वो बार बार उपन्यास में वर्णित होती है। ससुराल के संबंध के कारण कालू बार बार, कालू का ससुराल वही है जहाँ राजू का है उसी घर में, तो बार बार राजू से मिलने के लिए बार बार ससुराल जाता है।
भली यानी उसकी पत्नी ये जानती है लेकिन उससे बनती नहीं है। राजू ये सब जानती है, उन्हें समझाती बुझाती है, दोनों पति पत्नी में मेल कराने की कोशिश करती है, और इस कोशिश में वह अपने पति के साथ भी पूरी निष्ठा और एक आर्य नारी की तरह जीवन जीती है। आर्य नारी का अपना एक चरित्र है, पति धर्म का जो चरित्र है उसमें पूरी निष्ठा रखते हुए वह चलती है। एक बार वह अपने मायके आती है, राजू अपने मायके आती है यानी अपने कालू के गांव आती है। वह अपनी बेटी चचेरी बेटी यानी जेठ की बेटी भली से मिलने कालू के घर जाती है। वहां भली अपने मन की भड़ास उसके सामने निकालती है, कहती है तुम्हारे कारण जो है इनका मन नहीं लगता और ये वो। तमाम भड़ास निकालने के बाद भी जो है उसकी कालू की पत्नी खेत में काम कर रहे कालू के लिए कलेवा राजू के हाथ भेजती है कि तुम ले जाके उसको खिला दो। खेत में काम करता हुआ कालू राजू को कलेवा लेकर आते हुए देखता है, देखकर वह क्षण भर के लिए खुशी से झूम उठता है। दूसरे ही क्षण पत्नी रूप में राजू को न पा सकने का दुख उसकी खुशी को वेदना में बदल देता है। राजू कालू को समझा बुझाकर खाना खिलाती है। तब कालू उससे कहता है, बड़ी सुंदर लाइन आती है, राम जाने मुझे क्या चाहिए, पर इतना जरूर जानता हूँ कि मन को किसी भी तरह से चैन नहीं पड़ता, लगता है जैसे जन्म से प्यासा हूँ और प्यासा ही रह जाऊंगा। तो यह पूरी व्यथा मन की, अंतर मन की जो वेदना है कालू के मन की निकल पड़ती है। अब कालू इसके बाद राजू से कहता है कि अब मैं ज्यादा तुमसे नहीं मिलूंगा और तुम्हारे पर जो मेरे मन में प्रेम का भाव है उसको मन में दबा कर ही जीवन का निर्वाह करूंगा। लेकिन फिर भी प्रेमियों की विरह वेदना अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है। अब इस पूरी पराकाष्ठा में, जब प्रेम पूरी पराकाष्ठा में होता है, ऐसे ही कथा के मध्य भाग में छप्पनिया अकाल का चित्रण शुरू होता है। विशाल बहुत बड़ा व्यापक अकाल पड़ता है। कालू और राजू की कसौटी भिन्न ढंग से होती है। अब इसमें दोनों का जो चरित्र है और प्रांजल रूप से निखर कर इस छप्पनिया अकाल में आता है। अकाल इतना भयावह है कि पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ ठूंठ बन जाते हैं, लोग अनाज है नहीं तो लोग अपने अनाज को गोबर में मिलाकर रखते हैं, क्योंकि रात होते ही वे भूखे लुटेरों का धावा आता है, झुंड के झुंड आते हैं और वो घर लूट कर ले जाते हैं, इसलिए वो अपने अनाज को कुछ दिन के लिए गोबर में छिपा कर रखते हैं। अब भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, अकाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ यह समझ नहीं होती है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। तो ऐसा करने के लिए वो कहते क्या हैं, अनेक लोग ऐसे हैं जो आदमी को मारकर ही खाने लगते हैं, भूखे लोग पेट की आग सह नहीं पाते, पशुओं को मारकर तो खा ही जाते हैं। एक सूचना आती है कि कोई भीलनी स्त्री जो दूर पहाड़ी पर है अपने बेटे को ही मारकर खा जाती है। कालू के जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, उनको लुटेरे ले जाते हैं। कालू अपने मवेशियों को लेने बचाने के लिए जाता है तो भूख का विकराल रूप देखता है, जहां जो लोग ले गए हैं वह सुन्न हो जाता है। वह जिस तलवार से मवेशियों को बचाने गया था वही तलवार फेंक कर कहता है, लो सालों अपनी माँ के खसमों, कहकर उन भूखे लोगों की ओर फेंक देता है। जिंदे जानवरों को जहाँ खाया जा रहा हो और भूख की पीड़ा से लोग हाहाकार कर रहे हों, वहां पर कालू के लिए रुकना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए हथियार फेंक कर मानो वह बेजुबान पशुओं की मदद करता है, उनको जल्दी छुटकारा तो मिले। अकाल की मानो यह चरम स्थिति है। वापस आते कालू के मुंह से भगवान के लिए, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना चाहिए, वापस आते कालू के मुंह से भगवान के लिए गाली निकल जाती है। जब आदमी इतना परेशान हो जाता है कि जब ईश्वर पर जो उसकी आस्था है डगमगा जाती है, सब कुछ की जो आस्था है वो है ईश्वर हमें जीवन देता है, सब कुछ देता है, लेकिन जो ईश्वर
ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसने भोजन छीन लिया, जीवन छीन रहा है, उसके प्रति जो आस्था का विमोह हो जाता है, मोह टूट जाता है, ऐसी स्थिति को लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने की कोशिश की है। अकाल चरम स्थिति को देखकर कालू जब वापस आ रहा होता है अपने गांव, तो भगवान के लिए गाली निकलती है। वो कहता है, अकाल डालने वाले भगवान तेरा सत्यानाश हो, तूने आदमियों की ये दशा की, मेरा वश चले तो दैव से भी भिड़ जाऊं, अरे इस आसमान में छेद कर दूं, यहाँ पर भूख की पराकाष्ठा दिखाई पड़ती है। दुबले पतले कमजोर लोग तो कब के मर खप गए। इस पर कालू और राजू कहते हैं, अब जो अकाल में जो दुर्बल बूढ़े लोग थे, कमजोर लोग थे, वो पहले ही खेप में मर खप जाते हैं। इस पर कालू और राजू प्रेमी प्रेमिका आपस में बातचीत करते हैं, और राजू कहती है कि अच्छा हुआ उन बेचारों को मुक्ति तो मिली, यह सब देखकर उन्हें दुखी तो न होना पड़ा। इस भयंकर अकाल के समय में कालू अपनी ससुराल राजू की खोज खबर लेने जाता है कि पता नहीं इस अकाल में क्या हुआ। और अकाल के इस हाहाकार के बीच भी राजू के न मिलने की वेदना उसे टीसती रहती है। यानी यह अकाल भौतिक अकाल था, लेकिन एक मन का जो प्रेम का अकाल था, वह भी उसे जीने नहीं दे रहा है। बार बार राजू से मिलना चाहता है, इसलिए वह तीस और वेदना को लेकर फिर से वह राजू के यहाँ पहुँचता है, और जाते समय सपनों में घड़ी भर के लिए सपनों में खो जाता है। और एक दृश्य लेखक लिखता है कि लंबी पतली गोरी और नुकीले नैनों वाली राजू सीधी गर्दन किए सामने से आती है और उसके घर को संभाल लेती है। परंतु यह तो सपने की बात थी, जबकि सचमुच में राजू अभी हारी नहीं है। वह अपने परिवार तथा पति को बचाने के लिए नीति के मार्ग पर चलते हुए हर संभव कोशिश करती है। वह कालू को अपनी आप बीती सुनाती है और कहती है, राजू ने कालू को सुनाया, एक आप बीती सुनाई इस अकाल में हुआ जो उसके साथ। वह कहती है, एक दिन मैं दुकान पर अनाज लेने गई, सेठ ने मेरे शरीर का बखान किया और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा। उस दिन मैं खाली हाथ वापस आ गई। लौटते समय मेरे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। मैं सोचने लगी कि यदि मैं मर्द होती तो उस सेठ का तो खून ही कर डालती और उसके गोदाम को भूखे लोगों द्वारा लुटवा देती। कालू ने राजू का यह रूप नहीं देखा था। उसने अपने पति को बचाने के लिए, राजू कुछ भी कर सकती है, बात कालू को पता थी। यानी एक पतिधर्मा स्त्री अपने पति को बचाने के लिए कितने तरह के यत्न प्रयत्न कर सकती है, यह बात कालू को पता है। एक बार कालू पूछता है राजू से, राजू क्या तू सचमुच दयाल जी को बचाना चाहती है? तब राजू ने जवाब दिया, तुम ऐसा सवाल करते हो? गहना गुड़िया घर जमीन भी बेचना पड़े तो बेचकर उन्हें बचाऊंगी, यदि हम जीते रह गए तो फिर से बादशाही पैदा कर लेंगे। यहाँ पर कालू की तुलना में राजू का जो चरित्र है वह एक बीता ऊपर साबित होता है, एक हाथ ऊपर साबित होता है। दयाल जी के साथ वह सुखी है, यह बात राजू ने कालू को पहले भी बताई थी। फिर भी राजू काली की लालसा को जानती तो है ही, उसी प्रेम के कारण राजू कालू को सांत्वना भी देती है। अकाल के इस कठिन समय में साथ साथ जीना तो संभव नहीं, यह तो जानते हैं सब, लेकिन साथ साथ मरने और जलने की जो महान इच्छा है वो दोनों प्रेमी व्यक्त करते हैं। अब वो चाहते हैं कि इस महान अकाल में एक महान इच्छा ये है कि हम साथ साथ तो नहीं जी पाए, अब शायद साथ साथ हम लोग इस अकाल में मरें, यह दोनों इच्छा जाहिर करते हैं। प्रसंग आता है कि सरकारी अनाज बैलगाड़ियां ले जा रहे हैं, बैलगाड़ियों से सरकारी अनाज पहुंचाया जा रहा है कहीं, उसको कुछ गांव के लोग रोक लेते हैं। कालू वहां बीज बचाव करने की कोशिश करता है कि इनको जानने दो कुछ, तभी बंदूक की गोली लगती है, वह अपना आधा हाथ गंवा बैठता है, उसके हाथ में लगती है और आधा हाथ उसका चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में गांव में कुछ बचा नहीं है, जो नदी है, जो वात्रक नदी है, वह अभी सूख कर रेत हो गई है। बिना पत्तों के ठूंठ वृक्ष खाने को दौड़ते हैं, एकदम सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, सारे मवेशी मर खप गए, सब कोई रहा नहीं, वन बंजर हो गया, जहां देखो वहां अस्तित्व
कुछ बहुत बहुतायत लोग मर गए, जो जिंदा भी हैं उहाड़ के हड्डियों के कंकाल मात्र बचे हुए हैं। बरस बरस से ऊपर हो गए मेघ, वापस लौटने का बादल वापस लौटने का नाम नहीं लेते। अब ऐसी स्थिति में इनको राजू कालू और इन लोगों को लगा कि ये अपना गांव जो है छोड़ देने में भलाई है, कहीं और चलें जहां थोड़ा सा गुजर बसर हो जाए। तो कालू राजू भली और बचे हुए कुछ थोड़े से बच्चे पड़ोसी एक गांव है डिगरिया, डिगरिया की ओर चले जाते हैं, जहां थोड़ा समृद्ध सेठ हैं, सेठों ने अपने अन्य क्षेत्रों को खोल रखा है, तो वहां के लिए डिगरिया के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में लुटेरों ने आक्रमण कर दिया और माली जो इसकी स्त्री पात्र थी, खलनायक थी, उसको मार देते हैं। लुटेरी दुष्ट माली को मार डालते हैं। दुष्टता का अंत कितना भयानक होता है लेखक ने उपन्यास में दिखाया है। मर जाने के बाद भी माली के बेटे नाना ने अपनी माँ को सुनाते हुए बोला, मरने के बाद जब तेरे पास आऊंगा तब तेरा गला न दबाऊं तो समझना तेरी कोख का जाया नहीं। इतना ज्यादा अंदर पीड़ा का भाव उसी के स्वयं के बेटे में भरा हुआ है। अब वो इतनी विषाक्त महिला थी कि इसका अपने बेटे पर यह असर हो रहा था। कालू को सारी जिंदगी उसने कलमुहा कहा, गालियां देती रही, लेकिन मरने के बाद माली की नंगी लाश पर कालून ही अपनी धोती को कफन के रूप में डालता है, अपनी धोती उतार कर उस महिला के ऊपर डालता है। पति पुत्रों और बहुओं के साथ साथ पूरे खानदान को चैन से जीने न देने वाली माली को लेखक ने मानो ऐसा लग रहा था कि पोएटिक जस्टिस दे दिया, ऐसी मौत दिलाई जैसे दैवीय न्याय उसके साथ हो गया हो। अब सारे लोग डिगरिया पहुंच जाते हैं। डिगरिया एक जगह है जहां अनाज मिलने की संभावना है। वहां पर कालू की पत्नी जैसी स्त्रियां भी, अब वो वहां पर जीवन जीने का अलग संघर्ष था। अब वहां संघर्ष ऐसा हुआ कि महिलाएं अलग से अपने को बचाने की चेष्टा करने लगीं, और कालू की पत्नी जो भोली थी, जो वो भी क्या किया, कालू की पत्नी जैसी स्त्रियां भी वहां क्या कर रही थी, शरीर बेचने का धंधा कर रही हैं। अब यह बात जब कालू को पता होती है तो वह बहुत दुखी होता है। कालू सोचता है कि यदि सत्य कहीं है तो वह सिर्फ दो जगहों पर बचा हुआ है, एक तो राजू में और दूसरी मौत में। यानी संसार में सिर्फ दो ही चीजें सत्य बचती हैं, एक राजू यानी उसकी प्रेमिका, और दूसरी मौत, मृत्यु में। कुत्तों को डाले गए खाने पर लोग टूट पड़ते हैं, गोलियां बरसाई जाती हैं, अकाल में और मनुष्यों पर बड़ी क्रूरता बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में सेठ सुंदर जी धर्मादा अनाज शुरू करते हैं। जो अनाज लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाता, हाथ बढ़ाता है उसको अंजलि भर अनाज मिल जाता है, लेकिन कालू जो है वो स्वाभिमानी है, वो अनाज कैसे भीख में ले सकता है। वो कहता है वह कणबी यानी पटेल का बेटा है, मांग कर कैसे खा सकता है। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है कि हमारे सामने धान का जो ढेर लगा है वह कौन से खेत का है, कहो तो पहचान कर बता दूं। अब यह बात वही है कि यह सामाजिक विषमता क्या थी, ये उसी के खेतों का अनाज था जो सेठों ने गोदामों में भर लिया था और आज वो दे रहे थे। यह उस शोषण को उजागर करने वाला वाक्य था। उधर सेठ कहता है, यह धान तो तुम्हारा ही है और तुम ही को देना है, जितनी शर्म तुम्हें हाथ बढ़ाकर लेने में आ रही है उतनी ही शर्म हमें यह सदा व्रत करने में आती है। कालू ने कहा कि ऐसे तो नहीं लूंगा, मैं कुछ काम करूंगा। तो कालू हर रोज उस कमरे की सफाई करने की शर्त पर अंजुरी भर अनाज लेता था और फिर जाता था। अंजुरी भर अनाज लेकर वह रहने के ठिकाने पर पहुंचता तभी आंगन में भहरा कर गिर पड़ता है। राजू उसे गोद में ले लेती है और तब कालू कहता है, राजू तू कहती थी ना कि भूख बहुत बुरी चीज है, परंतु भूख से भी खराब चीज आज मैंने देखी है। बड़ा सुंदर वाक्य है। अब आप समझिए, आपने प्रेमचंद का गोदान पढ़ा होगा,
गोदान इच्छा लेकर जब होरी मर रहा होता है, वह संवाद आप लोगों को पढ़ना चाहिए और फिर इस उपन्यास के अंतिम खंड को पढ़ना चाहिए। देखिए संवेदना किस तरह मिलती है। राजू तू कहती थी ना कि भूख बहुत बुरी चीज है, परंतु भूख से भी खराब एक चीज आज मैंने देखी है। भूख से भी खराब भीख है, भिक्षा है। भूख तो सिर्फ शरीर को सिझाती है, परंतु भीख तो मन को भी मार डालती है। ऐसी कठोर परिस्थिति में लगता है अब मौत नजदीक है। तो ये जो पूरा आभास है, और यह भूख से भी भयानक भीख, जो मन के को मारने वाली चीज है, अंतर मन को जो भी जो समाप्त करने वाली चीज है, उस ओर लेखक ने इशारा किया है। ध्यान रहे वहां जो गोदान की पीड़ा है, वहां जो किसान से मजदूर हो जाने की पीड़ा है, वह अनाज तक है। वह इस वहां भी ये जो जो सम्मान का खत्म हो जाना है वहां भी है, लेकिन प्रेमचंद उसको आधार नहीं बनाते। होरी जो है वो मजदूर बन गया है। होरी, प्रेमचंद का होरी जो है वो किसान था, सम्मान था किसान का, लेकिन आज वो मजदूर बन गया इसी अनाज और इसी भोजन और इसी भुखमरी के कारण। लेकिन उससे भी ज्यादा पीड़ा यहाँ है कि अनाज भीख में तो मिल रहा है, लेकिन भीख ज्यादा, भिक्षा जो है वो ज्यादा भूख से भी ज्यादा खराब है, इसको रेखांकित किया है। तो हमें एक शेर याद आता है, मैं सुनाना चाहता हूँ। जिस तट पर पानी पीने से अपमान प्यास का होता है, उस तट पर पानी पीने से प्यासे मर जाना बेहतर है। तो यह उसी सम्मान और उसी मन के सम्मान की बात है कि जहाँ पर अपमान हो भूख का, अब भूख का अपमान क्या है? भिक्षा, भिक्षा आप मांगते हैं तो भूख का अपमान करते हैं। तो उससे अच्छा है, ये कहना ये चाहता है कि इससे अच्छा है कि मर जाना बेहतर है। तो ये बड़ी मार्मिक है, इन सब टेक्स्ट की बड़ी व्याख्या की जा सकती है। इसी अकाल के क्रम में राजू विधवा हो जाती है, दयाल जी उसके पति हैं, उसका निधन हो जाता है। यानी अब कालू है और विधवा राजू है, इसके बाद की आगे कहानी है। अकाल का चरम अकाल का दृश्य है, गांव की तलहटी, पहाड़ी तलहटी में एक ठूंठ सूखा हुआ पेड़ है, उसके नीचे कालू चित्त पड़ा हुआ है। अब उसके शरीर में ज्यादा जान नहीं है, वही उसी तरह निर्जीव हो चुका है जिस तरह होरी निर्जीव होकर खाट पर पड़ा है। आप देखिएगा, साम्यता मिलाइएगा, आपको समझ में आएगा। वह राजू से आखिरी राम राम कहना चाहता है, अपनी प्रेमिका राजू से वो आखिरी राम राम कहना चाहता है। कहता है राम राम, यह सुनकर राजू बहरा कर उसकी छाती पर गिर पड़ती है। दोनों यही कामना करते हैं ऐसे ही मौत आ जाए। आपने देखा था, मैं पहले मैंने बताया कि वो कहते हैं कि ऐसे तो हम नहीं मिले, जीवन ने तो हमें नहीं मिलाया, प्रेम में ने तो हमें नहीं मिलाया, शायद इस अकाल की मृत्यु हमें मिला दे। और वही मिलन का दृश्य आप यहाँ देखते हैं। वह राजू से आखिरी राम राम कहता है, यह सुनकर राजू बहरा कर उसकी छाती पर गिर पड़ती है। दोनों यही कामना करते हैं कि ऐसे ही मौत आ जाए। राजू कालू को थोड़ा चलाने की कोशिश करती है, पर कालू मानो एकदम से थक गया है और कहता है, ऐसी मौत बार बार नहीं आएगी राजू। यह हताशा का वाक्य था। राजू समझ जाती है कि कालू को पानी की जरूरत है। बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, अभी आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा। आपने एक चित्र देखा होगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, बहुत पहले काफी दिन से वायरल था कि एक पश्चिमी में, जर्मनी में या कहीं, एक लड़की है, उसके पिता जेल में बंद हैं और लड़की दुर्बल है, मौत के करीब है उसका बाप, और वो मिलने जाती है जेल में। और जब मिलने जाती है तो बाप इतना भूखा है कि वह स्तनपान कराती है। आप सबने देखा होगा, बहुत प्रचलित है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। वैसा ही दृश्य मुझे यहाँ देखने को मिला। राजू भरा कर उसकी छाती पर गिर जाती है। कालू कहता है, ऐसी मौत बार बार नहीं आएगी राजू। राजू समझ जाती है कि कालू को पानी की ज़रूरत है, परंतु पानी तो यहाँ कहीं था नहीं। राजू की गोद में कालू थोड़ा ऊपर उठता है, राजू की गोद में कालू थोड़ा ऊपर उठता है, और उधर राजू थोड़ा झुकती है और अपना स्तन उसके होठों से लगा देती है।
कालू की प्यास मिट जाती है, उसकी समग्र काया में चेतना का संचार होता है। थोड़ा सा दूध पिया उसने उसके स्तन से, थोड़ी सी उसमें प्यास मिटी और थोड़ी चेतना आई। मरने जा रहा था तो वो चेतना आती है, आँखों में चेतना सुबुगाने लगती है। हल्के हल्की आँखें खोलकर वह राजू को निहारता है, अपनी प्रेमिका को निहारता है। बड़ा सुंदर दृश्य है अंतिम। और उधर क्षितिज पर, आकाश पर बादलों का झुंड दिखाई पड़ता है। देखते ही देखते बादल उन दोनों को सराबोर कर देते हैं। लेखक लिखता है कि अब तो काल भी कालू और राजू को मार नहीं सकता। इस प्रकार अकाल से उभरने वाले बादलों के आगमन के साथ ही मानविनी भवाई की कथाकृति पूरी हो जाती है। यही आखिरी सीन था जहां राजू ने अपनी गोद में उठाकर अपने प्रेमी को स्तनपान कराया और उसमें जीवन लौटता है। और फिर ऊपर से बादल गरजते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। और लेखक लिखता है कि अब तो काल भी कालू और राजू को मार नहीं सकता। और यहीं से कहानी मानविनी भवाई ख़त्म हो जाती है, पूरी हो जाती है कथा। यानी जो ये आशावाद है जीवन का, जो पूरे जीवन नहीं मिल पाए, अंत में अकाल भी समाप्त हो जाता है और वह प्रेम का ज्वार, प्रेम की पीड़ा, प्रेम की विरह वेदना भी अंततः समाप्त हो जाती है और दोनों मिल जाते हैं। आपको याद होगा कि शुरुआत में फ्लैशबैक में बूढ़ा कालू सोच रहा है तो फिर वही दृश्य आ जाता है। तो इस तरह से ये पूरी कथाक्रम इसका पूरा होता है। इस संबंध में अनेक इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसे महान बनाती हैं। अब इसको बहुत थोड़े रूप में अगर इस पूरे उपन्यास का सारांश देखें तो यह पूरा उपन्यास कालू और राजू के इर्द गिर्द बुनी हुई कथा के एक जाल जैसा है। एक सामान्य जीवन जीने वाले कुलीन दंपति वाला और रूपा के यहाँ जीवन के उत्तरार्ध में पुत्र का जन्म होता है। ब्राह्मण उसकी कुंडली की गणना करता है और स्थानीय चलन के अनुसार बालक का नाम कालू रखा जाता है। फूली डोसी की मदद से गला डोसा की बेटी राजू के साथ कालू की सगाई होती है। परंतु इसी बीच कालू के पिता वाला पटेल का देहांत हो जाता है। वाला पटेल के छोटे भाई परमा पटेल की ऋषालु पत्नी माली तथा राजू के मामा मनेगु के प्रपंच से कुछ ही समय में वह सगाई भी टूट जाती है। बिरादरी के पंचों की मध्यस्थता से जगा नरसी की बेटी भली के साथ कालू का तथा जगा नरसी के भाई दयाल जी के साथ राजू का विवाह हो जाता है। कालू और राजू एक दूसरे के लिए तड़पते रहते हैं सारा जीवन। और फिर वहाँ छप्पनिया अकाल पड़ता है। पेट की आग बुझाने के लिए पहाड़ी जंगलों में रहने वाले भील लोगों को लूटने लगते हैं। भय और भूख से पीड़ित ग्रामवासी पड़ोस के बड़े गांव डिगरिया की ओर चले जाते हैं। उसी दौरान दुष्ट माली का निधन हो जा मौत हो जाती है। अंत में कालू और राजू का मिलन होता है। साथ ही 12 महीने के वियोग को संयोग में बदलते हुए मूसलाधार बारिश होती है और इस तरह कथा पूरी हो जाती है। तो यह एक ऐसी पूरी कथा है, ये पूरी कथा वस्तु है जो एक ओर छप्पनिया अकाल के पृष्ठभूमि पर चलती है और एक ओर वह मन का जो अकाल है, लोगों के मन में प्रेम के लिए जो अकाल है वो चलता है। इस तरह से पूरी कथा पूरी होती है। तो ये कथा वस्तु तो पूरी हो गई। अब मुझे लगता है कि इस पर और इसके पात्रों के बारे में थोड़ी सी चर्चा दो दो मिनट में करना चाहता हूँ कि यह इसके पात्र और लोगों से भिन्न कैसे हैं। दो तीन दो बातें हैं। एक तो हम राजू और कालू के संबंध में बात करें तो कालू जैसा चरित्र तो हमें हिंदी उपन्यासों में मिल जाता है, पर राजू जैसा चरित्र, राजू स्त्री पात्र है, वैसा चरित्र हमें जल्दी मिलता नहीं है। यानी उतना समर्पित चरित्र, उतना आर्य स्त्री का जो चरित्र था, वो हमने चर्चा भी की थी कि वो शरद चंद्र के उपन्यासों में जो स्त्री पात्र हैं वो ज़्यादा भावुक पात्र हैं, उनमें ज़्यादा संवेद, वो ज़्यादा भावना में बहने वाले पात्र हैं। लेकिन राजू जीवन के समग्र संघर्षों के साथ साथ उस यथार्थ को भी जानती है और उससे जुड़ा हुआ उसका आदर्श है।
और वहीं दूसरा जो पात्र है, सॉरी, दूसरा पात्र जो माली है, वो जो मैंने बताया कि उपन्यासों में इतना बड़ा स्त्री विरोधी पात्र, या कह लीजिए कि स्त्री का जो खलनायक चरित्र है उतना बड़ा नहीं दिखाई देता। बाकी आम चरित्र हैं जो लगभग सभी उपन्यासों में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज हमने इसकी कथा वस्तु और इसके थोड़े से पात्रों के विषय में जाना। अगले कक्षा में हम इसकी जो उस उपन्यास की क्या और खासियतें हैं, इसके शिल्प में क्या खासियत है, इसकी शैली कैसी है, फ्लैशबैक में लिखना शुरू किया फिर समाप्त कहाँ करते हैं, कैसे कथाक्रम एक दूसरे से गुथा और मिला हुआ है, इस सब की चर्चा हम अगले अगली कक्षा में, अगले सत्र में करेंगे। आज की जो इसकी कथा वस्तु के संबंध में आप लोगों के पास कोई सवाल हो अभिषेक जी, तो आप पूछने बताने का कष्ट करें। जी, निश्चित तौर पर प्रश्न रखने से पहले मैं विद्यार्थियों को दो तीन बातें बता दूं, क्योंकि यह उपन्यास माननीय वहां पर एक तो गुजराती उपन्यास है जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है। दूसरी चीज, चूंकि उपन्यास इतना बड़ा है इसलिए मैंने इस उपन्यास के लिए दो कक्षा रखी। मैं विद्यार्थियों से यही करूंगा कि आज जो व्याख्यान हुआ, जो सर ने कहा, कथा वस्तु को लेकर के अपने प्रश्न उसी पे सीमित रखें, संबंधित रखे। इस उपन्यास के जो बाकी पहलू हैं, जैसे आप लोगों के किताब में दिए गए हैं एसएलएम में, कि पन्नालाल पटेल का जीवन परिचय और कृतित्व, पन्नालाल पटेल का युग संदर्भ, जब हम देखते हैं कि वो गांधीवादी विचारधारा से कितने प्रभावित हुए, या जिन विचारधारा से प्रभावित हुए, या मानवीनी भाई का मूल्यांकन हुआ, पन्नालाल पटेल की रचनाशीलता या भाषा शैली, इस पे हम अगली क्लास, जो अगली कक्षा मुझे जहां तक पता है कल होने वाली है, तो उस बाकी चर्चा हम उस पर करेंगे। आज की जो मुख्य व्याख्यान था वो कथा वस्तु पे, क्योंकि अगर आप इस उपन्यास की कथा वस्तु समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होती है अपने उत्तर लिखने में, चीजों को समझने में, उसके मूल्यांकन करने में, उसके यथार्थ को आज की दृष्टि से देखने में। इसलिए यह आज की जो कक्षा मैंने इसीलिए विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ कथा वस्तु पे केंद्रित करवाई है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपने किसी किन्हीं के कुछ प्रश्न आ चुके हैं, मैं उन सर तक पहुंचाऊंगा। इसके इतर अगर जिनके भी जो कुछ भी प्रश्न है, जो भी द्वंद्व है मन में, वो आज के व्याख्यान और मानविनी भवे की कथा वस्तु से संदर्भित ही रखे। तो सर, मैं पहले प्रश्न, विद्यार्थियों ने दो तीन प्रश्न आए हैं, मैं उन्हें आपके समक्ष रखता हूँ। आसिफ जी जी ने एक प्रश्न पूछा है कि इस उपन्यास में अकाल का वर्णन किस प्रकार किया गया है, या किन संदर्भों में उसे दर्शाया गया है। जी अपने यहाँ जो अकाल है वो अब सूखा पड़ता था खेती में। खेती में तीन चार तरह की आपदाएं होती हैं, एक तो बाढ़ का प्रकोप हो जाता है और एक सूखे का प्रकोप होता है। तो ये बाढ़ का प्रकोप नहीं था, यह सूखे का प्रकोप था, यानी बादल पानी नहीं बरसा तो सूखा पड़ गया। आपने लगान फिल्म देखी होगी, सूखा पड़ जाता है तो फिर वो आप समझ ज़्यादा जाते हैं, सिनेमा की अगर चर्चा होती है तो आप समझ जाते हैं कि बाद में बारिश होती है, मैच जीत जाते हैं और अकाल वो लगान माफ कर दिया जाता है। तो उसी तरह का अकाल था ये, जहाँ अकाल में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है किसान। अब किसानी में कुछ पैदा नहीं होता, पहले तो किसान क्या करता है, जैसे पैदा कुछ अनाज पैदा हुआ तो साल भर खाने के लिए तो रख लेता है, उसके अलावा जो है बेच देता है। अब वो सेठ साहूकारों से बहुत कर्ज भी है तो कर्ज देने में सेठ साहूकार रख लेते हैं, तो वो सारा जो आप देखेंगे कि जो गोदान उपन्यास में जो सामंत सामंतशाही है वहाँ, उसी तरह की थोड़ा थोड़ा सा बदले हुए स्वरूप में आप इसको देखेंगे कि यह एक ओर उन किसानों को मजदूर नहीं बना रहा है, वहाँ दूसरी त्रासदी है, थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करेंगे, एक सवाल भी मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, किसान ही अपने जीवन को बचाने में दैवीय आपदा है, ये वहाँ की आपदा दैवीय नहीं है। होरी जो किसान से मजदूर हुआ है वो व्यवस्था की कथा है, लेकिन यहाँ जो किसान मरने को अभिशप्त हो गया है वो दैवीय आपदा है। तो ये जो उपन्यास में छप्पनिया अकाल की चर्चा होती है, वो पूरे साल भर बारिश न होने के कारण उपज नहीं होती है, जिससे अनाज न होने से लोग लगभग गांव के गांव मर जाते हैं
और भील लोग रहते हैं वहीं पहाड़ी में, वो सब लूट ले जाते हैं, पशुओं को लूट ले जाते हैं, मार देते हैं, लोगों को पकड़ के जिंदा खा जा रहे हैं। तो ये इस तरह का अकाल है जिसमें सरकारें भी थोड़ा बहुत मदद कर रही हैं, बाद में सेठ साहूकार भी थोड़ी सी मदद करते हैं, लेकिन वो मदद बहुत थोड़ी है। तो इसे ये इस रूप में ये अकाल दिखाई देता है इस उपन्यास में। जी जी सर, धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न है उन्हें लेते हैं। प्रीति शर्मा जी ने एक प्रश्न लिखा है कि प्रस्तुत उपन्यास को हम प्रेम कथा माने या यथार्थवादी उपन्यासों में इसकी गिनती करें। इसी से जुड़ता हुआ सर मैं अपने प्रश्न समाप्त करूँ उससे पहले ही असित जी ने एक प्रश्न किया है, मैं इसी में वो जोड़ता हूँ कि वो एक प्रश्न कहते हैं कि उस उपन्यास में प्रेम का संघर्ष किन प्रकारों में वर्णन हुआ है। मैं इन दो प्रश्नों को एक साथ जोड़ता हूँ कि पहला तो इस उपन्यास में प्रेम का संघर्ष किन किन प्रकार से वर्णित हुआ है, दूसरा उसी में यह जोड़ता हूं कि इस उपन्यास को हम प्रेम कथा माने या यथार्थवादी उपन्यास माने। हाँ धन्यवाद। ये असल में इसे समझना होगा, यह एक ग्रामीण आंचलिक उपन्यास है। आपने फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास पढ़ा होगा, ये मैला आंचल, वहाँ थोड़ा बहुत प्रेम भी है, बाकी जो स्ट्रगल है। उन संदर्भों में यह उपन्यास किस रूप में भिन्न है, थोड़ा इसे समझना होगा। यह प्रेम उपन्यास नहीं है, नाम से ही है, यह जीवन की एक नाटक है, जीवन का नाटक है। अब जीवन में प्रेम ही प्रमुख नहीं होता, प्रेम भी होता है और भूख भी होती है। तो भूख और प्रेम दो ऐसी चीजें हैं जो आदमी को अंदर से खोखला कर देती हैं, और प्रेम न मिले तो भी आदमी निर्जीव हो जाता है, और भोजन न मिले तो भी निर्जीव हो जाता है। इन दोनों ध्रुवों को मिलाकर पहली बार यह सफल प्रयोग किया गया कि एक ऐसी कथा बुनी गई जिसमें अकाल की भयावहता भी है और प्रेम न मिलने की भी भयावहता है। एक ओर यहाँ किसानों के जीवन को दैवीय अकाल समाप्त कर रहा है, एक ओर उनका स्वाभिमान भी है कि मन जो है उस कालू जैसे चरित्र का, मन जो है भिक्षा लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उसका क्रांतिकारी मन ईश्वर को कोसता है कि तुम कैसे हो, सवाल खड़ा करता है ईश्वर के प्रति। यह सवाल जल्दी से किसी उपन्यास में हमें ईश्वर के सामने जो सवाल है, ईश्वर के अस्तित्व पर जो सवाल है, वह इसी गहन यथार्थवादी उपन्यासों में हमें दिखाई देता है। तो यह इस उपन्यास को न तो हम बहुत यथार्थवादी उपन्यास कह सकते हैं, न प्रेम का उपन्यास कह सकते हैं। इसे ग्रामीण यथार्थ का, ग्रामीण अंचल का यथार्थोन्मुखी, सघन यथार्थोन्मुखी उपन्यास कहा जाता है, जिसमें एक ओर प्रेम की सघन विडंबना है, दूसरी ओर अकाल और भूख की विडंबना दोनों रूप में चित्रित की गई है। यही इसकी विशेषता भी है। अगर यह सिर्फ प्रेम तक होती तो प्रेम उपन्यास हो जाता, और अकाल तक होती तो अकाल हो जाता। इसीलिए इसको कहा गया जीवन का नाटक। तो जीवन के नाटक में नौ रस है ना, नाटक में तो नौ रस होते हैं, यानी वहां प्रेम भी है, क्रोध भी है, रोना भी है, भय भी है, सब कुछ है। तो नाटक है यानी नौ रस है। तो इसीलिए यहाँ इस उपन्यास में भी हमें वो सारे नौ रस देखने को मिलते हैं। तो ये इस रूप में हमें इसको देखना चाहिए। जी सर, निश्चित रूप से गोदान धन्यवाद सर। गोदान वाला, गोदान वाला कुछ सवाल था, बताइए क्या कह जी रहे हैं। जी सर, वो ही मैं अभी उठाने वाला हूँ। एक कमल पटनायक जी ने एक प्रश्न का बहुत अच्छा प्रश्न लिखा, वो लिखते हैं कि गोदान में होरी की जो भी स्वाभिमान, होरी के हम स्वाभिमान को देखें और इस उपन्यास में कालू के स्वाभिमान को, तो दोनों कितना अपने में कितनी समान है और कितनी भिन्नता है उन दोनों के स्वाभिमानों में। हाँ, देखिए कि दो देखिए मनुष्य का स्वाभिमान जो है वो वह चरित्र एक ही है। मनुष्य में स्वाभिमान है, सत्यता है, तो वह रहेगी, वह एक ही रहेगी, वह बदलेगी नहीं। लेकिन वह स्वाभिमान किन भावभूमि पर उपजा है, वह सत्यनिष्ठा किस भावभूमि पर उपजी है, वह भावभूमि भिन्न होती है। यानी आप गोदान में देखें तो होरी की स्वाभिमान जो होरी का स्वाभिमान है वह यह है कि वो भूखों नहीं मरेगा, वो सूद से पैसा लाके नहीं खाएगा, वो जाके सामंत से नहीं लाएगा पैसा, वह मजदूरी करेगा, यह स्वाभिमान है, मजदूरी करके खाएगा। थोड़ी सी इसमें समानता यह है
कि जब कालू जाता है उसको भी कहा जाता है कि हाथ पसार के अंजूरी भर अनाज ले लो, भिक्षा ले लो, तो वह भी मना करता है, कहता है नहीं मैं कुछ करके लूंगा। तो वह थोड़ा ज्यादा क्रांतिकारी है, क्योंकि होरी में यह ताकत नहीं थी कि वह ईश्वर पर प्रश्न करता। होरी आस्थावादी आदमी है, लेकिन आस्था इसकी टूटती है क्योंकि यह दैवीय अकाल है। वहां ईश्वर पर आस्था बनी हुई है क्योंकि वह मानवीय अकाल था, यानी लोगों और व्यवस्था का षड्यंत्र था, जिसके कारण होरी की यह दुर्गति होती है। लेकिन एक जगह पर समानता यह है कि न तो होरी मांग कर खाना चाहता है, वो भी मजदूरी करता है, और इधर कालू भी कहता है कि मैं कमरे की सफाई कर दिया करूंगा, झाड़ू लगा दूंगा, और फिर उसके बदले आप मुझे एक मुट्ठी एक अंजुली अनाज दे देना। इस रूप में दोनों एक समान है, लेकिन स्थितियां जिन पर इनकी भावभूमि मना स्थिति जो स्वाभिमान का उपजा है वो दोनों भिन्न है। एक का कारण दैवीय है, दैवीय आपदा है, और एक का कारण व्यवस्था और सामाजिक षड्यंत्र है। तो उन दोनों भावभूमि पर हमें अलग अलग देखना चाहिए। जी सर, सर इसमें एक चीज मैं आपकी बातों में एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जब हम बात करते हैं गोदान में होरी की या इस उपन्यास में कालू की, एक चीज देखने लायक है कि दोनों उपन्यासों में जब हम गोदान की चर्चा करते हैं और आज की जो उपन्यास मानवीय भगवान, दोनों की एक तो चीज है पृष्ठभूमि अलग है। एक हमारे उत्तर भारत में लिखा हुआ उपन्यास होता है, एक पश्चिम भारत में लिखा हुआ उपन्यास होता है। लेकिन जो उपन्यास की अगर हम देखते हैं कथा वस्तु की जब हम बात करते हैं तो बहुत सी मतलब समानता देखने को मिलती है कि समाज बहुत की बहुत स्थिति, जी समानता है। सर, समाज की स्थिति हम जब बात करते हैं कि सोचते हैं कि एक अंचल या इस वर्ग विषय में जो समाज की स्थिति है, चाहे जो पिछड़े लोगों की या ग्रामीण समाज की स्थिति, सोचते हैं दूसरे जगह बेहतर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामीण समाज की स्थिति हर जगह थोड़ी हर बहुत जगह भिन्नता वही के है, साथ एक जगह एक साथ ही मतलब एक जैसे ही देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल वही है, वही है। जी सर, हाँ, इसके इतर सर और तो कोई प्रश्न नहीं है। सागरिका जी ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहा है इस उपन्यास को, पहली बार उन्होंने सुना, उन्हें बहुत अच्छा लगा इस उपन्यास से रूबरू कराने, तो आपको उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सागरिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके शुक्रिया इतर अगर किसी शुक्रिया सर, विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न हो, अगर वो लिख करके वो बताने में उन्हें कोई भी बाधा आ रही हो, तो अपने माइक को म्यूट ये म्यूट करके अपने प्रश्न पूछ सके। नहीं सर, जितने प्रश्न सागरिका मैंने रख लिया। सागरिका ने एक प्रश्न लिखा है। प्रश्न यह है कि राजू एक आदर्श और यथार्थ का की परिचायक बनी है, और वह एक आर्य नारी शक्ति के रूप में चित्रित की गई है, लेकिन कालू जो है वह प्रेम के लिए आतुर दिखाई देता है। वह बार बार राजू के पास जाता है, लेकिन वह बाध्य नहीं करता राजू को अपने साथ होने को। तो या राजू का पात्र उतना ही पवित्र रहा है, बिल्कुल पवित्र रहा है। राजू ने किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं की। वो बड़ा गांव का मुखिया नहीं है राजू, लेकिन लोग उसे मुखिया जैसा सम्मान भी देते हैं। तो राजू में एक नैसर्गिक जो विवेक है, नैसर्गिक जो चरित्र की दृढ़ता है, वह राजू में बहुत राजू कह रहा हूँ कालू में कूट कूट कर भरी हुई है। और वहीं राजू उतनी ही अधिक पतिव्रता स्त्री है, आर्य शक्ति के रूप में स्पष्ट हुई है। तो इन दोनों का चरित्र बड़ा प्रांजल रहा है। जी सर, इसी के साथ सर और एक प्रश्न एक आया है कि इस उपन्यास में लेखक ने राजू नारी चरित्र को लेकर के यथार्थवाद दृष्टिकोण को किस प्रकार से रखा है? हाँ, राजू क्या है यथार्थवादी दृष्टिकोण से इस प्रकार रखा है कि प्रेम जो है एक रोमानी चीज है। प्रेम में कल्पना होती है, रोमानियत होती है, ठीक है, जो आपको शरदचंद्र के उपन्यासों में या बंगला के बहुत सारे उपन्यासों में मिल जाएगी। लेकिन वहीं पर देखिए कि वह कितना यथार्थवादी प्रेम का प्रेम है। राजू भी जानती है, कालू भी जानते हैं कि एक दूसरे से प्रेम है। यथार्थवाद ये है वहाँ कि वो कल्पना में नहीं जाते, वो कहीं जाके मिलते नहीं, वह अपनी पति धर्म को नहीं छोड़ती और राजू अपने संस्कारों को नहीं छोड़ता। तो वहाँ एक यथार्थ ये है कि राजू नारी चरित्र होते हुए भी अपने पति धर्म का पालन करती है, और यह जानती है कि उसका यथार्थ क्या है। वह जानती है कि मैं वो उसका एक वाक्य भी आता है कि कालू मैं इतनी ज्यादा मेरी परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब नहीं कि मैं हरजाई कहलाऊं, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं कि मैं हरजाई कहलाऊं। यह वही वाक्य है जो उस यथार्थ की ओर इंगित करता है कि
कि वह अभी उसमें जीने की कितनी जीवट लालसा है, उसको संघर्ष प्रिय है, पलायन प्रिय नहीं है। वो चाहती तो दयाल जी जैसे विकलांग पति को छोड़ सकती थी, वो चाहती तो राजू को अपना कालू को अपना सकती थी, लेकिन वो कल्पना में पलायन में भी यकीन नहीं करती, वो जीवन के संग्राम में यकीन करती है, जीवन के संघर्ष में यकीन करती है। इसीलिए उस संघर्ष में वो कहती है कि हम जी तो नहीं पाए, हम मर तो सकते हैं साथ में। तो मरना जो है, अपने यहाँ मरना और त्याग करना दो ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रांजल पवित्र और महान बनाता है। तो वहां जो त्याग की भावना है, जीवन उत्सर्ग की भावना है, जो प्रेम को दृढ़ता प्रदान करती है, जो प्रेम को यथार्थ से जोड़ती है, वह चीज राजू को नारी चरित्र के रूप में यथार्थवादी दृष्टि देती है। और वह कहती है नारी के लिए उसका गहना जेवर यही सब महत्वपूर्ण होता है। वो कहती है कि मैं दयाल जी के लिए सब कुछ लगा दूंगी, कुछ छोड़ूंगी नहीं अपने पति को बचाने में। वहीं कालू की जो स्त्री है भोली, वो दूसरे गांव जाते ही वो वैश्यावृत्ति का काम शुरू कर देती है। तो यह है दोनों में फर्क, यह है दोनों के चरित्र में फर्क। तो एक ओर कालू जिस तरह से प्रतिनिधित्व करता है, उसी रूप में राजू भी उस पूरे यथार्थ में जीती है। कहीं पलायन नहीं है, कहीं रोमानियत नहीं है, कहीं भी आपको उपन्यास में नहीं दिखता कि राजू को अपने गले से लगा लेता है और किसी रोमानी भाव में डूब जाता है। हरदम यथार्थ हावी रहा, हरदम समाज हावी रहा, हरदम जिस जीवन में रहे वो हावी रहा। यही देखना इस उपन्यास में, इसकी अन्यतम खासियत भी है। जी सर, धन्यवाद सर। अंतिम प्रश्न असित जी ने लिखा है, वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। वो पूछते हैं कि लेखक ने इस उपन्यास के जरिए समाज को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, या क्या शिक्षा क्या बताना चाहते हैं इस उपन्यास के जरिए। जीवन एक नाटक है, इस जीवन की अनेक परिस्थितियों में मनुष्य किन किन तरह का कैसा कैसा व्यवहार करता है, उसको अकाल में भी किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उस आदमी को सामाजिक रूप से पारिवारिक रूप से कितना नैतिक होना चाहिए, और अपने यथार्थ में भी पलायनवादी या कल्पना वादी नहीं होना चाहिए, या आदमी बहुत सारी परिस्थितियों में आत्महत्या कर लेता है। तो वहाँ जीवन से भागना या पलायन नहीं है, प्रेम में रोमानी भाव या पलायन नहीं है। यह उपन्यासकार की अन्यतम खासियत रही है। जिस तरह से आपने देखा कि प्रेमचंद होरी की मृत्यु के साथ उपन्यास का पटाक्षेप करते हैं, और हृदय में पाठक के मन में एक सघन पीड़ा अंतरित हो जाती है और बेचैन हो उठता है पाठक कि ये उसके खिलाफ, यानी जो समाज है उसके खिलाफ, उसके प्रति एक मनोभाव से पाठक भर जाता है बेचैनी। वहीं इस उपन्यास में जो दैवीय प्रकोप है वो खत्म हो जाता है, बारिश होती है। तो अंततः ये आशावादी उपन्यास है, यानी संघर्ष के बाद हमें जीत मिलेगी, हमें प्रेम के इतने नीरस, इतने विरह की इतनी महान यात्रा के बाद भी हमारा मिलन हो सकता है। यह भाव जो है, यह जो आशा का भाव है, आशावादिता है, वह लेखक देने में सफल होता है। यही इसकी अन्यतम विशेषता भी है। जी सर, एक प्रश्न आप आया है, कमल पटनायक जी ने पूछा है कि इस उपन्यास में जो अकाल को दिखाया गया है, क्या यह भारतीय शासन व्यवस्था को उजागर करता है, या अंचल विशेष की समस्या को उजागर किया गया है। अंचल विशेष की समस्या के माध्यम से शासन व्यवस्था को भी उजागर किया गया है, यानी अब वह अकाल तो अंचल विशेष में पड़ा, लेकिन हमारे ऊपर जो शासन तंत्र था उस समय, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, अब वह शासन व्यवस्था कितनी लचर थी, वह शासन व्यवस्था का हमारे 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 जीवन से, उनके लिए हमारा जीवन कोई महत्वपूर्ण नहीं था। वह थोड़ी बहुत सहायता तो कर दे रहे थे, लेकिन वो चाहते, शासन चाहता तो हमें बचा सकता था। वहां जो सैकड़ों लाखों लोग मारे गए उस अंचल में, वो बच सकते थे। लेकिन समस्या आंचलिक है, लेकिन आंचलिक समस्या ने शासन व्यवस्था के चरित्र को उजागर कर दिया, चरित्र को उघाड़ दिया। जैसे
अब मान लीजिए ये कोरोना की बीमारी हमारी है शहर की, मान लीजिए कोई शहर है, कहीं किसी शहर में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं, लेकिन हमारी जो बीमारी है, जो समस्या है, वो हमारे शहर की है, लेकिन वो पूरे पूरे देश की जो मेडिकल सुविधा है उसको उजागर कर देती है। तो हमारे यह अकाल जो था वो अंचल विशेष में पड़ा, लेकिन हमारी समग्र जो शासन व्यवस्था थी उसके चरित्र को उसने उगाड़ दिया। जो चरित्र शासन का उस समय औपनिवेशिक शासन था, वह चरित्र हिंसक था हमारे ऊपर, हमें शोषण का शासन था, उसको उजागर कर देती है व्यवस्था। जी सर, इसके इतर सर विद्यार्थियों को सर और कोई प्रश्न नहीं है, फिर मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि आपके कोई प्रश्न हो तो जल्दी जल्दी अपना माइक को अनम्यूट करके सर के समक्ष प्रश्न रखिए, क्योंकि समय भी होता जा रहा है। तो आपसे अनुरोध होगा कि आपके अगर कोई प्रश्न मन में कोई द्वंद्व रह गए हो आज के व्याख्यान से संबंधित, मानवीय भवैया की कथा वस्तु से संबंधित, तो अपने प्रश्न रखें अभी रखें अभी। और हाँ जी जी नहीं सर, धन्यवाद विद्यार्थी ने कहा है, मुझे नहीं लग रहा इसके इतर ओके कोई प्रश्न है। धन्यवाद जी सर, विद्यार्थी लग रहा था धन्यवाद करें, मुझे नहीं लगता इसके इतर कोई प्रश्न है। आने वाली कक्षा में जब हम इस उपन्यास की भाषा शैली या इसके मूल्यांकन, इसके संदर्भों, इसकी रचनाशीलता पर बात करेंगे तो निश्चित ही और कुछ भी प्रश्न इससे निकल के आएंगे इसके इतर। तो सर इन्हीं के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं अपने शुक्रिया। विश्वविद्यालय, अपने हिंदी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने अपना समय अरे दिया। बहुत बहुत आभार आपका अभिषेक जी, और आप भी अब जाइए और त्योहार मनाइए आज का। जी सर, जी सर, निश्चित निश्चित सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ओके चाहे तो अपनी ओर से इस कॉल को एंड कर सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। जी सर, विद्यार्थियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मानवीय भवैया की दूसरी कक्षा जो हम उसकी भाषाशीलता या उसके मूल्यांकन रचनाशीलता पर चर्चा करेंगे वो कल सुबह 11 बजे से संभवतः होने वाली है। मैंने अभी तक मेरे पास कोई मेल नहीं आया कंफर्मेशन मेल, इसलिए मैं आपको श्योर नहीं कह सकता। अगर आती है जो भी लिंक आता है मैं आपको ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संप्रेषित कर दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।